Good morning, children. Good morning, everybody. Previous class में क्या हुआ था आपको याद है? मोटू चुहा चला देने के लिए को गया था. आपको वो poem पूर्ण रूप से याद है, समझकर आगे उसी पार्ट का एक आपको कुछ काम हमें बहुत दिन रहने वाले व्यक्तियों के साथ आपको परिचित कराना चाहती हूँ, क्योंकि हमें जिंदगी जीने के लिए हमें कुछ कोई ना कोई सहायक होना चाहिए, है ना. अब कुछ काम करने वाले होना, कुछ हमें देने वाले होना, कुछ हमें पाने वाले होना, ऐसे ही रहता है. हमें किसी के भी बिना नहीं जी सकते. बहुत आवश्यक कुछ व्यक्तियों का परिचय आपको देना चाहती हूँ. ऐसे ही आपको सीखने के लिए शिक्षक होना है, है ना. ऐसे ही कपड़े सीने के लिए कौन होना, अपना बर्तन बनाने वाला भी होना है ना. अभी ज्वेलरी बनाने होना, बैंगल्स बनाने होना, कोई ना कोई हमें आवश्यक होना. अभी ये कपड़े बनाने वाला भी होना है. ऐसे ही कोई ना कोई डॉक्टर होना चाहिए. डॉक्टर का भी आवश्यक है, दूध देने दूध वाला का भी आवश्यक है, कोई ना कोई सब्जी वाला का भी आवश्यक है. कोई ना कोई किसी बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते. ऐसे ही आपको एक पांच लोगों का परिचित करना चाहती हूँ. देखिए, हमें गणेश कपड़े सीता है. गणेश में कोई गोपाल हो, हाँ कोई अमर हो, कोई विश्वनाथ हो, कोई अमर, ये हमें कपड़े सीकर देता है. ये कपड़े सीकर दे बिना सी के बिना हम कपड़े नहीं पहन सकते हैं ना. हमें बिना कपड़े जिंदगी नहीं कर सकते. इसलिए ये कपड़े सीने वाला को क्या कहते हैं? कपड़े सीने वाला को हम कहते हैं दर्जी. वो क्या कहते हैं? दर्जी. पर्टिकुलर में उसे कपड़े सीने वाला को पर्टिकुलर हम क्या कहते हैं? ये कुछ ना कुछ काम नाम बता रहे उसे दर्जी कहते हैं. इसके बिना हम नहीं जी सकते हैं. कि जो है कपड़े सीने वाला हमें होना चाहिए. ऐसे अलवर मिट्टी के गड़े बनाता है. मिट्टी से ना स्टील से एल्यूमिनियम से कोई ना कोई बनाते हैं ना. मिट्टी से बनाने वाले को क्या दर्जी कहते हैं क्या? नहीं, उसे पर्टिकुलर नेम से क्या कहते हैं? कुम्हार. क्या कहते हैं? कुम्हार. कुम्हार से हम गड़े मिट्टी से गड़े बनाने का सीख जाते. बनाने वाला को ही हम क्या कहते हैं? अनुभव में कोई बना दे आप ही बना उनको भी हम कुम्हार कहते हैं. कुम्हार के बिना नहीं जिंदगी होता. दिनेश सोने के आभूषण बनाते हैं. सोने के ज्वेलरी उनको क्या कहते हैं? कन्नड़ में अक्का साड़ी का, हिंदी में क्या कहते हैं? सुनार. क्या कहते हैं? सुनार. सोने के चीजें आभूषण, सोने चांदी कोई ना कोई आभूषण बनाने, बैंगल्स ज्वेलरी हार माला पाँव के छे सभी को हम सुनार कहते हैं. ऐसे सुंदर डाक आता है. डाक मीन्स लेटर. लेटर लेटर डालने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंग्लिश में पोस्ट कहते हैं. वैसे ही हिंदी में वो डाक के बिना हम नहीं जी सकते. जी सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दूसरों का संदेश हमें पहुंचाने वाला ही ये डाक है. डाक को हम डाकिया कहते हैं. क्या कहते हैं? डाकिया. पोस्टमैन को हम डाकिया कहते हैं. ऐसे राघव बच्चों को पढ़ाता है. हम भी उनको पढ़ाते हैं ना. क्या कहते हैं उनको? टीचर कहते हैं ना इंग्लिश में. ऐसे शिक्षक अध्यापक कहते हैं. आपको अच्छा याद है ना. ऐसे लोगों ढेर सारे जिनमें हम सबका हमें अवश्य
पर्टिकुलर टाइम रहता है, उनके बिना हम नहीं सीखते। आपको इतना ही अभी 5 लोगों का याद है, अभी 10 लोगों का एक पट्टी बनाओगे। देखो कपड़े सीने वालों को हम कहते हैं बट्टे वाली हो ना, दर्जी में कहते हैं कपड़े सीने वालों को दर्जी। ऐसे आगे मिट्टी से मट्टी कितना मड़के मारे कुंभार कहते हैं। अदे रीति सोने से चिन्न बेल्लिंद आभरण मावे अक्सारी ऐसे सुनार सुनार अंतरि सुंद डाक नमेंगे लेटर तक कागद पत्र तक डाकिया अंत ना अंजे मास्टर कहते राव चौंप पड़ा है राव कंपनी ओद्ते नमेंगे अध्यापक कन्नड शिक्षक अध्यापक कहते चल चंद्र सहसे देश जन्मे उनका परिचय थोड़े थोड़े हम करना चाहिए, हमको इनका आवश्यक है। चलो चिल्ड्रन्स।